प्रतापगढ़ में थाना माधनदा पुलिस ने पकड़ा दो सात लुटेरे बदमाशों को, जहां सरगना उनके पास से पकड़े गए चोरी की बिना नंबर हीरो मोटरसाइकिल, दो तमंचा 315, तीन जिंदा कारतूस, एक पोटली चरस, 200 ग्राम, एक चोरी का सैमसंग मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की। इनके ऊपर 307 का मुकदमा 25 मार्च को लगा, जिसमें कुटिलिया टाइनी संचालक प्रभाकर पांडे के ऊपर गोलियों से फायर किया था। उस समय 1,15,000 की लूट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन टाइनी संचालक की दिलेरी से जबकि उस समय बदमाशों ने मिर्ची का पाउडर भी चेहरे पर फेंक दिया था। कुल 5 फायर भी किए थे, इसमें कुछ लोग नामजद हो गए हैं, जिसमें लुटेरे संतोष कुमार सरोज पुत्र किशोरी लाल सरोज निवासी ग्रामपुरी वैष्णो खटरा गुलाब सिंह, दूसरा पुनीत कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी बालकिशनगंज, दो लोग चेकिंग के दौरान हरकपुर की पुलिया के पास पकड़े गए। दो साथ लुटेरे जो कि सरगना भी है, पुलिस के ऊपर गोली चलाने वाला भी अकोड़िया व अफसर अली निवासी माध्यमता की तलाश में जुटी है प्रतापगढ़ की पुलिस। प्रतापगढ़ से रिपोर्ट, कैच न्यूज। हाँ बताइए, आपको साहब 25 तारीख को घटना हुई थी, 1,15,000 लूटने का प्रयास किया गया था, मिर्ची पाउडर झोंका गया था, क्या था पूरा मामला? हम 25 तारीख को पैसा निकाल करके अपनी शाखा पे जा रहे थे कुटुलिया नहर, तब एक लोग मुखबिरी किए और तीन लोग बाइक से हमारा पीछा किए। पंडित के पुरवा के पास हम पहुँचे, तब वो लोगों ने मुझे गाली दे करके रोका और मुझ पर फायरिंग करना शुरू कर दिए। हम पंडित के पुरवा के गांव की तरफ भागे शोर मचाते हुए, वो हमारी डिग्गी खोल करके पैसा निकालने लगा, तब तक ग्रामीणों ने दौड़ा लिया, हमने उसको मारा भी। ग्रामीणों के दौड़ाने पर वो फायर करते हुए भाग गए, से दो फायर उन्होंने, तीन फायर मेरे ऊपर किए और दो फायर ग्रामीणों के ऊपर करते हुए भागने में सफल रहे। आज पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ करके दो का चालान किए। मुझे अपार खुशी हो रही है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? प्रभाकर पांडे, गांव महीना, थाना मानधाता, जनपद प्रतापगढ़। धन्यवाद।